हेलो एवरीवन, आई एम योर जुगल सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम यू टू माय ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस डियर फ्रेंड्स टुडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस यू द कंप्लीट नोट्स ऑन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस व्हिच इज़ द सेकंड फॉर्म जो कि सेकंड फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कम्प्लीट नोट्स है ये पहले तो मैं स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूँगा उसके बाद कुछ यूजेस के बारे में डिस्कस करूँगा तो विदाउट एनी डिले लेट्स देखते हैं कि नोट्स क्या है तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं जो कि चार टू सेंटेंसेस है एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो फर्स्ट सेंटेंसेस का जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जांपल देखेंगे तो देखो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए फुल्ली कंप्लीट नोट्स है ये ओके डो नॉट स्कीप दिस वीडियो क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये वीडियो तो देखो यहाँ पे मेरा नोट्स है जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट होगा उसके बाद विल बी और सेल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग विल बी और सेल बी यूज कर सकते हैं उसके बाद वी का फोर है ओके okay, मतलब वी फोर आई एन सी फॉर्म होगा भार का आई एन सी फॉर्म होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया ओके okay, ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है ओके एफर्मेटिव सेंटेंस का ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है तो एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने प्रीफर करके आपके लिए रखा है तो एग्जांपल है आई शल बी हिटिंग द बॉल द फर्स्ट वन लुक एट हियर आई शैल बी हिटिंग द बॉल सब्जेक्ट कौन सा है आई है सेल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से लगा हुआ है उसके बाद भी फोर उसके बाद ऑब्जेक्ट है ओके आई शल बी हिटिंग द बॉल सी विल बी गोइंग टू द स्टेशन ओके सी विल बी गोइंग टू द स्टेशन सी सब्जेक्ट है यहाँ पे ओके विल बी उसके बाद वी फोर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओके okay, तो नेक्स्ट देखो हरी विल बी ड्राइविंग ए कार ओके कर रहा होगा ओके okay, मतलब हरी विल बी ड्राइविंग ए कार वो ड्राइविंग कर रहा होगा ओके okay, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है हरी है विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से और वी फोर ड्राइविंग ए कार ऑब्जेक्ट सो यू विल बी राइटिंग ए लेटर नेक्स्ट वन देखो आपके लिए तो यू विल बी राइटिंग ए लेटर यू यहाँ पे सब्जेक्ट है विल बी उसके बाद वी फोर एंड ऑब्जेक्ट ये हो गया कुछ एग्जाम्पल है ये आपके लिए तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपके लिए एग्जाम्पल क्या है कि दे विल बी प्लेइंग बैडमिंटन ओके सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी रीना विल बी स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज सी विल बी ड्राइविंग ए ड्राइविंग द कार केयरफुली ही विल बी गोइंग टू द मार्केट ये हो गया उसका स्ट्रक्चर के साथ है तो लुक एट सेंटेंसेस यू विल फाइंड स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं आप लोग थोड़ा चेक करो तो फर्स्ट वन दे सेकेंड वन सीता नेक्स्ट ही रीना नेक्स्ट सी ही ये ऑल आर सब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट के बात क्या है तो नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है नॉट लगा देना बस बस यू हैव टू नॉट अगर नॉट लगा दोगे तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है तो अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस आप लोग देखो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है सेल और विल नॉट प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है ओके लुक एट हियर ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव सेंटेंस का ओके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के सामने तो so नेक्स्ट देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोग सेलनाट नॉट एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को नॉट को एस एच ए एन टी शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो ओके okay, उस उसी के हिसाब से विल नॉट को आप लोग नॉट ओके इसी तरह आप लोग लिख सकते हो डोंट गेट कन्फ्यूज हियर राइट नाम सो देखते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ये क्लास बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक तो यहाँ पे देखो उसका एग्जाम्पल मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा तो फर्स्ट वन आई सेल नॉट और सेन नॉट बी राइटिंग वेल तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं आप लोग देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सेल नॉट और सन नॉट उसके बाद बी उसके बाद राइटिंग वेल तो सेकेंड वन देखो ही विल नॉट उड नॉट बी चीटिंग टू हिज टीचर ये फ्यूचर के लिए राज विल नॉट और उड नॉट बी प्लेइंग बास्केटबॉल दे विल नॉट उड नॉट बी गोइंग टू द चर्च रीता विल नॉट उड नॉट बी अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस ये हो गया उसका अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से ओके वो नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कुछ एग्जाम्पल है ओके लुक एट हियर आप लोग अच्छे से नोट्स कर लो ओके उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ओके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ओके जो कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप लोगों को पता है अच्छे से इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि लास्ट में अगर एक ठो तो क्वेश्चन मार्क है ओके okay, लास्ट में अगर एक ठो तो क्वेश्चन मार्क है तो ये हो गया उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उसका देखो स्ट्रक्चर तो पहले क्या होगा कि स्ट्रक्चर है सेल विल उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी उसके बाद वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ओके ये एक ठो स्ट्रक्चर है आप लोग अच्छे से नोट कर लो ओके नोट को तैयार ते, करो आप लोग अच्छे से और एक ठो देखते हैं मतलब आ, उसका एग्जाम्पल देखो उसका एग्ज़ाम्पल ये है कि सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट ओके सेल वी बी स्पीकिंग द ट्रूथ विल यू बी सिंगिंग वेल

तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कंप्लीट जितना सारा एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर के हिसाब से ही है तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से नोट तैयार कर पाओगे तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ओके जो नंबर फोर है लास्ट वन जो है ओके okay, सेंटेंसेस का लास्ट वन है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस तो हम देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क होगा ओके okay, एक तो क्वेश्चन मार्क होगा अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि शायद आप लोगों को मेरा प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो मतलब अच्छे से पता होगा कि नॉट लगा देना वहाँ पे ओके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा देते हो तो हो गया उसका कंप्लीट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो बन जाएगा आपके लिए ओके तो नेक्स्ट देखते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल ओके तो पहले स्ट्रक्चर देखो उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा देखो फर्स्ट वन और सेकेंड वन ये दोनों मतलब सेम ही है लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू द मतलब शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से मैं लिखा हूँ कि सल विल उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस यहाँ पे देखो सल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क उसके बाद आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो सन्नट नॉट सब्जेक्ट बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ओके ये दो ठो आपके लिए कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर है ये ओके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ओके नेगेटिव नॉट लग गया यहाँ पे यहाँ पे उन नॉट सन नॉट ये हो गया उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट स्ट्रक्चर ओके अच्छे से आप लोग नोट कर लो आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओके द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन ओके ये फर्स्ट है ये सेकेंड है सेम ही है ओके okay, ये सेम है लेकिन आपके लिए मतलब समझने के लिए मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए मैं एक ठो मतलब लिखा हूँ तो नेक्स्ट देखते हैं उसका एग्जाम्पल्स ओके एग्जाम्पल में क्या होगा कि विल ही नॉट बी राइटिंग विल ही नॉट बी राइटिंग और विल नॉट ही बी राइटिंग ओके से नॉट बी स्पीकिंग और सनेट आई बी स्पीकिंग विल दे नॉट बी वर्किंग और नॉट बी वर्किंग विल नॉट दे बी वर्किंग यहाँ पे नेक्स्ट होगा दे बी वर्किंग विल इट नॉट बी मूविंग ये वाला मैं जूम कर, कर रहा हूं थोड़ा ओके और वॉट इट बी मूविंग ये हो गया उसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पुल द लास्ट वन ओके द फोर्थ वन आपके लिए ये फोर्थ वन है ओके okay, so चार जो चारेंटेंस है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पहले तो स्ट्रक्चर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स ओके okay, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम कुछ यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो तो देखो मैं आपके लिए कॉम्प्लीट ये नोट तैयार करके रखा हूँ कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस आप लोग कहाँ पे यूज करोगे तो फर्स्ट देखो कि एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंसन ओके विदाउट एनी इंटेंसन विदाउट एनी इंटेंसन के लिए आप लोग फ्यूचर एक्सप्रेस कर सकते हो ओके फ्यूचर का कोई भी चीज़ के लिए विदाउट इंटेंसन के लिए मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हो मतलब कोई भी चीज़ ओके एनी थिंग ओके एनी वर्क और एनी एक्शन और व्हाट एवर में भी और एनी स्टेट देट इज़ अबाउट टू भी ओके कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग होगा मतलब इंटेंसन के लिए विदाउट एनी इंटेंसन सो यहाँ पर देखो मैं एग्जाम्पल लेके ओके okay, समझा देता हूँ आपके लिए ही विल बी वर्किंग इन दिस रूम यहाँ पे देखो ही विल बी वर्किंग इन दिस रूम वो काम कर रहा होगा ओके okay, यही रूम पे मतलब इस रूम पे वो काम करता मतलब काम कर रहा होगा ही विल बी वर्किंग ओके ही विल बी वर्किंग इन दिस रूम ये हो गया उसका मतलब विदाउट एनी इंटेंशन ओके टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट एनी इंटेंशन ओके विदाउट एनी इंटेंशन के लिए फ्यूचर के बारे में एक्सप्रेस करते हो तो आप यूज कर सकते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ये हो गया उसका एक ठो मतलब पॉइंट तो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं और भी एक ठो एग्जाम्पल है देखो कि आई विल बी मीटिंग हार ऑन संडे ओके आई विल बी मीटिंग हार ऑन संडे तो आई विल बी मीटिंग हार ऑन संडे ये फ्यूचर है एक्सप्रेस कर रहे हो मतलब आई विल बी आई विल बी मीटिंग हार ऑन संडे दे विल बी राइटिंग इन देयर पे पर ओके मतलब विदाउट एनी इंटेंशन फ्यूचर के बारे में एकसर, मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं विदाउट एनी इंटेंशन तो ये हो गया उसका फर्स्ट वन ओके फर्स्ट यूजेस है तो सेकंड यूजेस के देखो मतलब सेकंड यूजेस क्या होगा कि सेकंड यूजेस में है एज एन ऑडिनारी कॉन्टिन्यू टेंस अगर कॉन्टिन्यू टेंस के बारे में ऑर्डिनरीली ओके ऑर्डिनरीली कॉन्टिन्यूस टेंस के अगर कुछ चल रहा होगा ओके ऑर्डिनरीली कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम बताते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस ओके फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल ओके दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल बोलो का मतलब फुटबॉल खेल रहे होंगे मतलब ओके okay, फ्यूचर में तो राम विल बी शॉपिंग हर यू विल नॉट बी सिटिंग इन द रूम ये नॉट लग गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस के लिए ओके okay, आप लोग नेगेटिव सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो ओके okay, तो एक्सप्रेस एज एन ऑर्डिनरी कॉन्टीन्यूस टेंस ओके ऑर्डिनरी कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए आप लोग ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज कर सकते हो ओके okay, सो so ये हो गया उसका कंप्लीट नोट्स है आपके लिए पहले तो हम डिस्कस किए यहाँ पे कि आ, फ्यूचर जो उसका स्ट्रक्चर ओके फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सेंटेंस का चाटू जो सें, मतलब सेंटेंस है वो उसका स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल उसके बाद कुछ यूजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करें आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा ओके okay, दो जो आर न्यू हियर इन माई चैनल অ'কে ডু লাইক শেয়াৰ এণ্ড ছবছক্ৰাইব ফাৰ মোৰ অপডেটছ এণ্ড ডু নৰ গট টু ক্লিক দ বেল আইকন ফাৰ মাই ন্যু ন'টিফিকেশ্যন এণ্ড দজ হু ৱান্স টু ৱাচ মাই প্ৰিভিিয়ছ ক্লাছেছ বিডিঅ' দেন গ' ইন মাই ডেক্স্ৰিপ্ছ বক্স টু ফাইণ্ড দেট লিংক এণ্ড মষ্টৱ ৱচ দেট ভিডিঅ'জ অ'কে থেংক ইউ ভেৰি মচ ফাৰচিং দিছ বিডিয়' জয় হিন্দ